वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल फिट फाट होंगे। दोस्तों अभी अभी डोरीमोन को छोड़ा हुआ बाहर, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझे जो टेंशन दी हुई है ना वो डोरीमोन ने दी हुई है, क्योंकि दोस्तों इसने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया है और इसको अगर मैं सुबह फीड वगैरह डालूँ, बाजरा वगैरह डालूँ तो सारा सारा दिन पड़ा रहता है इसके पास, तो ये खाता नहीं है। तो हालांकि भिगो के भी मैंने इसको डाला है, तो पता नहीं क्या वजह है इसने खाना पीना बंद कर दिया। वैसे तो ये बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह, ये देखें, वैसे तो बिल्कुल एक्टिव है। भोरी मोन से पता नहीं कान लगा के बात कर रहा है, कुछ पता नहीं उसे क्या कह रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने चूज़ों के लिए फीड तैयार करके रखी हुई है दोनों फैमिलीज़ के लिए। तो पानी टंकी में ख़त्म हो गया था ठंडा पानी, तो अभी मैंने मोटर चलाई है नीचे जाकर, तो देखते हैं पानी का, वेट करते हैं कि पानी आ जाए, मे भी आ भी गया हो। तो इतने में हम अपनी देसी मुर्गियों को बाहर छोड़ लेते हैं और चलते हैं अपने पिजन्स के पास, देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन है और आप लोगों से एक दो अपडेट हैं वो मैं आप शेयर करता हूँ। दोस्तों हमारे मौलवी की अगर बात की जाए तो मौलवी दोस्तों बेहतर हो गया है काफ़ी, लेकिन ना इसका फेस जो है ना मुझे ना मतलब पीला पीला से महसूस हो रहा है, ऐसा मतलब चेहरे के ऊपर ना जैसे एक इसके फ्रेशनेस थी ना मतलब दोस्तों के एक रेड होता है ना फुल ज़्यादा रेड, मतलब उस तरीके से मुझे लग नहीं रहा, फेस से अभी भी बीमार मुझे महसूस होता है। तो लेकिन हालांकि खा पी भी रहा है और सही है, अजाने वगैरह भी दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि अभी जैसे ठीक नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। दोस्तों गर्मी भी तो इतनी शदीद हो गई है ना, बुरा हाल हुआ पड़ा मुर्गियों का गर्मी की वजह से। दोस्तों पानी आ चुका है और पानी भर रहा है इसके अंदर, फिर हम पानी वगैरह डालते हैं अपने पिजन्स को। पिजन्स के लिए पानी मैंने यहाँ पे रखा था जो कि गंदा हुआ पड़ा है। दोस्तों हमारे पिजन्स ऊपर बैठे हुए हैं, दोस्तों मेरे ख्याल से ये फीमेल है और देखें दोस्तों फीमेल किस तरह हो रही है, जैसे इसने अंडा देना हो। तो दोस्तों मुझे तो महसूस हो रहा था कि ये अंडा दे देगी रात को, क्योंकि दोस्तों मैंने नाइट को मैं चेक करने आया था तो ये फीमेल पहले ऊपर बैठी हुई थी मगरिब टाइम तक, लेकिन रात को जब मैं आया ना तो फिर अपने दोबारा उधर बैठी हुई थी। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया है मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने क्या, अगर इसने नीचे ही नेस्ट बनाना है ना तो मैंने दो ईंटें इधर लगा दी हैं, दरमियान में ये भूसा रख दिया, एक ईंट उधर लगा दी थी और ये इधर एक ऐसे बाल्टी लगा दी है, तो ये रात को इसके अंदर बैठी हुई थी। तो फिर जो है वो मैंने 12-1 बजे आके चेक किया, मैंने कहा इसने अंडा दिया या नहीं इतनी इमरजेंसी में जो उठ के इधर आके बैठी है। तो इसने अंडा तो क्या देना था, ये दोबारा अपनी इधर बैठी हुई थी। तो अभी इसकी कंडीशन देखें दोस्तों, ये कैसी हो रही है, इसने बैक कैसे इसने उठाई हुई है और इस तरह इसने अपने आप को क्यों किया हुआ है। तो कहीं ये अंडा देने वाली तो नहीं है वैसे मुझे तो इनका कोई वो नहीं पता, मैं भी देखते हैं दोस्तों कि अगर इसने देना हो अंडा, क्योंकि ये दो अंडे देते हैं मेरे ख्याल से, एक अंडा तो इसने परसों दिया था और कल इसने कोई अंडा नहीं दिया, आज इसका मतलब है ये अगर इसके वेंट में अंडा हुआ दूसरा तो वो आज ये ले कर देगी। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने इनको दोस्तों ये शीट बिछाई थी ना, मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों मैंने इस तरीके से इनको भी अपने तीसरे पेयर को भी घर बना के दे दिया जो कि वो है हमारा पेयर, और इंशाल्लाह दोस्तों ये भी अब जल्दी ब्रीड कर देगा, क्योंकि फीमेल इसकी फीमेल भी बार बार जो है दोस्तों इसके अंदर जाके बैठ रही है। तो हमारा ये मेल, इसकी फीमेल ने ऑलरेडी एग दिया हुआ है, तो देखते हैं वो देखें अंडे पे पता नहीं बैठी है या खड़ी हुई है। तो दोस्तों इसने अभी तक तो एक ही अंडा दिया है, इसके अंडे को तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हम बाजरा वगैरह डालते हैं फिर चेक करते हैं कि इसके नीचे एक अंडा है या दो अंडे हैं, क्योंकि अभी मैं बाजरा पानी डालूंगा तो ये भी बाहर आ जाएगी, इसको खुद हम नहीं उठाते। माशाल्लाह दोस्तों पानी को देखते सार ही हमारे, ये देखें माशाल्लाह पिजन्स वगैरह बाहर आ गए हैं और ठंडा ठंडा पानी है दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा इनको पानी, तो ये सारे पियेंगे। और हमारी ब्लैक टेल फीमेल अभी भी अंदर ही बैठी हुई है, शायद इसको पता ही नहीं चला, वो आ जाएगी अभी बाहर। ये देखें दोस्तों ये सारा दिन इधर रहती है, तो आई होप She will be our friend
वनडे वो जा रही है। दोस्तों इतना ही बाजरा इनके लिए काफी है, क्योंकि ये भी पड़ा रहता है, ये इतने शौक से अब खाते नहीं है। गर्मियों के अंदर बस पानी पे गुजारे होते हैं परिंदों के, आमतौर पर बस थोड़ा बहुत खा लिया इतना के बस जिंदा रह सकें, इतने ज्यादा शौक से नहीं खाते। तो दोस्तों ये जो मेल है इसकी फीमेल बैठी हुई है अंडों पे। तो दोस्तों इसके ना मुझे नोक पे कल से ना ब्लड सा लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर ये अपना ना टर्न करे फेस उस साइड पे, जी दोस्तों ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो ये देखें, देखे देखे देखे, शायद पता नहीं वैसे रेड हो रहा है या क्या चक्कर है, ये देखें। मलका की फैमिली के लिए फीड ले जाते हैं अंदर और डालते हैं चूजों को, और अपनी ब्लैक टेल फीमेल को भी बाहर निकालते हैं ताकि वो खा पी ले, पानी पी ले, क्योंकि इसके बाद दोस्तों फिर शाम को ही टाइम मिलना है, इसके अलावा फिर टाइम नहीं मिलना। तो चले पहले मलका को, नहीं पहले ब्लैक टेल फीमेल को निकाल लेते हैं बाहर। जी दोस्तों फीमेल को तो निकाल दिया बाहर, और अब डालते हैं मलका के बच्चों को फीड। हेलो मलका, गुड मॉर्निंग, कैसी हो, ठीक हो, और बच्चे बच्चे ठीक हैं आपके? चलो बाहर आ जाओ आप भी, थोड़े से प्रेशर मार लो, काफी दिन हो गए आपके। चल बच्चों को तो जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, आप बाहर आ जाओ। कम इन, आजो जी आजो। पानी भी उठा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अब पानी हमने भरना है इसके अंदर ताजा। दोस्तों ये मैडम देखें फीड की इतनी शौकीन है, पीछे पीछे आ गई है मेरे यहाँ पे। तो दोस्तों ये इसको डाल देते हैं, बेचारी को इतना डर होने के बावजूद भी अंदर आ गई है खाने के लिए, और ये तो इनके लिए काफी है, मलका और उसके बच्चों के लिए। यही नहीं खत्म करते वो शाम तक, जो शाम को तो मजीद फ्रेश डालेंगे। तो चलें ये अब अंदर रख देते हैं। जी दोस्तों फीड रख दी है, और अब मैंने रखना है इसके अंदर पानी। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ एग, हमारी ब्लैक टेल का अंडा अभी तक माशाल्लाह सही सलामत पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द ना, मैं इर्द गिर्द नहीं मतलब उधर तो कॉर्नर है ना, इस साइड में ना ऐसे ईंटे लगा दूं एक दो, ताकि जो है ना मुर्गियां उस तरफ ना जा सकें। तो ये मुझे बहुत ज्यादा डर है अंडे का और उसके बाद फिर बच्चे का। अभी तो इसको हम देखेंगे, कैंडलिंग करेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है, अंडा फर्टाइल भी है या नहीं, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पिजन उड़ गया, लेकिन वो इधर ही है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ मैं एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने पेट लवर दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे कल एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।